नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है और बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। पाक ने नहीं ली ईद की मिठाई, चलाई गोलियां। ईद पर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में कई भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। रक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार रात भारतीय चौकियों पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी शुरू कर दी और ये सिलसिला घंटों तक चला। शनिवार को भी पुंछ सेक्टर में सीमा पार गोलीबारी की गई। अकारण हुई गोलीबारी का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। इतना ही नहीं, सीमा पर व्याप्त तनाव के बीच वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजरों ने आज ईद के मौके पर बीएसएफ की ओर से दी गई मिठाई लेने से भी मना कर दिया। कश्मीर में ईद की नमाज के बाद झड़प, फिर दिखा पाक का झंडा। ईद की नमाज के बाद राज्य के अनंतनाग जिले और कई इलाकों में पथराव कर रहे युवकों तथा सुरक्षा बलों के बीच झड़प की घटनाएं हुई और शहर के एक अंदरूनी इलाके में पाकिस्तानी ध्वज भी लहराए गए। पुलिस ने बताया कि इन घटनाओं में कोई भी घायल नहीं हुआ। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि युवकों के एक समूह ने ईद की नमाज के तुरंत बाद ही ईदगाह क्षेत्र में पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर पथराव शुरू कर दिया। राज्य के कोठीबाग इलाके में भी पथराव की ऐसी ही घटनाएं हुई, लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़कर स्थिति सामान्य कर ली। शहर के पुराने बरजुल्ला इलाके में पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। चीन ने आतंकी समझकर पकड़े गए भारतीय को किया रिहा। आतंकवादियों से कथित संबंधों के मामले में चीन द्वारा गिरफ्तार किए गए 46 वर्षीय भारतीय नागरिक राजीव मोहन कुलश्रेष्ठ को रिहा करके आज स्वदेश भेज दिया गया। भारतीय अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। राजीव एक दक्षिण अफ्रीकी चैरिटी गिफ्ट ऑफ गिवर्स से जुड़े 19 अन्य विदेशियों के साथ चीन आए थे। उन्हें इनर मंगोलिया प्रांत के ओरदोस में होटल के अपने कमरे में एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के वीडियो कथित रूप से देखने के मामले में 10 जुलाई को हिरासत में लिया गया था। भारतीय दूतावास ने बताया कि उसने कुलश्रेष्ठ की रिहाई में मदद की। दूतावास बीजिंग और मंगोलिया चीनी अधिकारियों के निकट संपर्क में था। चीन ने कुलश्रेष्ठ को स्वदेश वापस भेजने के पूर्व ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका के 11 नागरिकों को रिहा कर दिया था। अहमदाबाद में निकली रथ यात्रा, गूंजा जय जगन्नाथ। सुरक्षा एजेंसियों की भारी चौकसी के बीच अहमदाबाद में आज भगवान जगन्नाथ की 138वीं रथ यात्रा और ईद उल फितर का त्योहार मनाया गया। ये दोनों त्योहार 30 वर्ष बाद संयोग से एक ही दिन मनाए गए। धूमधाम से शुरू हुई इस रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल द्वारा पाहिंद संस्कार संपन्न करने के बाद भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा की रथ यात्रा शहर के जमालपुर क्षेत्र स्थित 400 वर्ष पुराने मंदिर से शुरू हुई। इस रथ यात्रा में 18 हाथी, 100 ट्रक, 30 धार्मिक समूह, 18 गायन मंडली, 3 रथ और 7 कारें शामिल थी। दोनों समुदायों के धार्मिक नेताओं ने एक दूसरे को बधाई दी तथा मिठाई और फूल भेंट किए। देश भर में ईद का जश्न। रमजान का पवित्र महीना पूरा होने के बाद ईद का त्योहार आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दिल्ली समेत पूरे देश में ईद का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। देश भर में मस्जिदों में लोगों ने सुबह नमाज अदा की। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और गले मिलकर मुबारकबाद दी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देशवासियों को बधाई दी। बॉलीवुड और खेल जगत से जुड़े लोगों ने भी देशवासियों को ईद की बधाई दी। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com को।